हिमाचल प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 17 फरवरी से स्कूलों में आएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2016 से प्रदेश के लगभग 2.25 लाख पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने और 1 जुलाई 2021 से 31% डीए देने का भी निर्णय लिया है। एनपीएस को लेकर केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जबकि न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़ाकर 9000 करने को मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति के बाद मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी से पहली कक्षा से आठवीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा जिम, सिनेमा हॉल, लंगर भी खोल दिए हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 1 फरवरी 2022 से रिवाइज पेंशन दी जाएगी। वहीं न्यूनतम पेंशन अब 3500 से बढ़ाकर 9000 की गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी को 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है, जो एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगी। पेंशन संशोधित होने से 1875 करोड़ का बोझ प्रदेश सरकार पर पड़ेगा। बैठक में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 50 नई एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति दी है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लिया गया कि अब 17 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉर्मल रूप में जो है खुल जाएंगे। बाकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लंगर, जिम इत्यादि पर, वो भी समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मल प्रोटोकॉल जो मास्क का है, 2 गज की दूरी का है, वो जो है वो मेंटेन करते रहेंगे। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश के 1,73,000 हैं, उनको 1 फरवरी 2022 से रिवाइज्ड पेंशन और फैमिली पेंशन देने का निर्णय किया है। इसमें जो है वो 1,30,000 जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको 1 जनवरी 2016 से जो है वो रिवाइज्ड पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 43,000 कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं, उन्हें जो है वो रिवाइज पेंशन और ग्रेच्युटी जो है वो मिलेगी। अब जो मिनिमम पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो अभी तक 3500 रुपये होती थी, वो अब 9000 रुपए होगी 1 जनवरी 2016 के बाद। मंत्रिमंडल ने जो ग्रेच्युटी की लिमिट है 10 लाख की, उसे भी बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है 1 जनवरी 2016 से। ये ग्रेच्युटी जो एनपीएस एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स उनको जो है वो जो एक एनहांस्ड ड्यू पेंशन होती है, वो भी जो रिवीजन हुआ है उसके अनुसार जो है वो उनको जो है वो भी मिलेगी। एक इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन जो एनपीएस एम्प्लॉइज को जो है वो मिले, इसका भी निर्णय किया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो पेंशनर्स हैं
उनको 1 जुलाई 2021 से 31% डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। मंत्रिमंडल ने आज जो विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसको भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।